हनुमान जी चाहे जिस रूप में आवे, गुरु हनुमान बन के आवे या हनुमान गुरु बन के आवे, जो होना हो, लेकिन वो द्वार कौन है इसके लिए जब तक न खुल जाए तब तक यही किया करो। श्री राम जय। विश्राम होने लगे, भजन में अमृत का अनुभव होने लगे, भजन में जब सुख होने लगेगा, तब निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा दुनिया के प्रत्येक नाम जापक उस अवस्था में पहुंचने पर यही सोचते हैं, यही कहते हैं, यही करते हैं कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन जबान से ईश्वर के नाम को अलग नहीं कर सकते। जब तक शरीर से जबान जुड़ी रहेगी तब तक जबान से नाम जुड़ा रहेगा। अब सोचिए कितना सुख देता होगा नाम, कितना स्वाद देता होगा नाम, कितना विश्राम देता होगा प्रभु का नाम। और ऐसे है वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, घर छोड़ दिया, यहाँ तक कि अन्न छोड़ दिया, और ऐसे भी साधु हैं कि न कुटिया बनाते हैं न आश्रम बनाते हैं, दीवारें छोड़ दी, वस्त्र पहनना छोड़ दिया, दिगंबर घूमते हैं, वस्त्र तक छोड़ सकते हैं, अन्न छोड़ सकते हैं, घर छोड़ सकते हैं, जहाँ पेड़ के नीचे जगह मिल जाए कहीं पर भी विश्राम कर लेते, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम प्रभु के नाम को नहीं छोड़ सकते। तो सोचिए कितना स्वाद हो, कितना मीठा लगता होगा प्रभु का नाम। आ
आरंभ में नाम थोड़ा मीठा लगता है, जब माया मारती है और जब आपको कि अब तो राम राम कर रहे हैं तब शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में नाम में आनंद इसलिए नहीं आता कि पिछले जन्म के संस्करण खड़े होते हैं अंदर। तो पिछले जन्म में अगर हमने अच्छा नहीं किया तो पिछले जन्म के संस्करण जब जागते हैं तो इससे आलस होता है, प्रमाद होता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन रुचि बनी रहे इसलिए सत्संग करो, रुचि बनी रहे इसके लिए कीर्तन के रूप में करो, रुचि बनी रहे इसलिए गुरुजनों का दर्शन करो, उनके दर्शन से भी आपके नाम की रुचि फिर से बन जाएगी और अंत में भी परम सुख देता है। आरंभ में भगवान का नाम सुख देता है और बाद में भगवान का नाम साधक को बेचैनी देता है, लेकिन रुचि बनी रहे इसकी कोशिश जारी रखो तो फिर अंत में प्रभु का नाम परम सुख देता है। सिद्धों को भजनानंदियों को सुख नहीं होता, उनके लिए शब्द होता है परम सुख, उनको परम सुख होता है। नाम के अर्थ समझ में आएंगे तो नाम में और स्वाद मिलेगा। रुचि बने इसके लिए नाम को कहो, नाम को गाओ, नाम की महिमा बोलो, नाम की महिमा सुनो, जैसे कि हम कर ही रहे अभी, इससे मन बना रहा है। जब एक ही आटे की वस्तु रोज खाते ना तो स्वाद बदल देते हैं, कभी उसी से पराठा बनाओगे, कभी उसी की पूरी बनाओगे, कभी उसी की रोटी बनाओगे, कभी उसी की मिठाई बनाओगे मीठा डाल करके, कभी उसी से नमकीन बना लो, कभी उससे मीठा बना लो, क्योंकि एक आटा है और उसी से रुचि बनी रहे इसलिए अलग अलग स्वाद में उसको परिणित करते हो। उसी प्रकार प्रभु के नाम में परम सुख हो जाए इसके लिए कहत सुनत सुमिरत सुठी राम लखन सम प्रिय तुम। यहाँ नाम और नामी की परस्पर प्रीति बताई है कि नाम और नामी में इतना आपस में लगाव है, इतना प्रेम है कि जब प्रेम इतना है तो नामी नाम से अलग होता ही नहीं है। जिसका जिससे लगाव है तो आप कहोगे कि जहां ये होगा वहां वही होगा, क्योंकि वो हमेशा साथ, जो टीम होती है एक ही टीम है। तो फिर जब उनमें से आप किसी को ढूंढते हैं तो जानकार लोग, उनको परिचित लोग कहेंगे कि अगर वो नहीं मिलता तो उसको ढूंढो, वो जहां होगा वही ये होगा। तो इसी तरह नाम और नामी इसकी ऐसी परस्पर प्रीति है कि जहां पर प्रभु का नाम है तो प्रभु वही होते हैं। अन्यथा जो कण कण में है फिर भी नहीं दिखता, उसको देखने का क्या उपाय हो सकता है? जिसको दिखना ही नहीं उसको कैसे देखो, जो दिखना ही नहीं चाहते उसको कैसे देखो? दिखने की इच्छा जीवात्मा को होती है, परमात्मा को नहीं होती। जब कोई संत होता है, सदगुरु होता है, दिखावा उनको भी अच्छा नहीं लगता ना, वो भी कहते हैं कि दिखावे से बचो, दिखावे से दूर रहो, क्योंकि जहाँ संत सदगुरु भगवंत ये दिखावे की दुनिया नहीं, तो उनको दिखना अच्छा ही नहीं लगता। जो दिखना चाहता ही नहीं उसको कैसे देखो? जो चाहता नहीं तो उसको देखने का उपाय तो यही है ना कि हमारी पुकार में दम हो, हम उसको पुकारे, हम उसको जपे और आर्तता से जपे, आर्तता से। तो नाम के साथ नाम ही जुड़ा है, जब हम आर्तता से पुकारे
तो दिखना भले ही उसको पसंद ना हो, लेकिन हमारी आर्तता ऐसी है तो फिर वो हमें दिख भी जाए। यही सुलभ मार्ग है।